अच्छा अभी ये वाले एक कोरिलेशन वाला टॉपिक अब तुम रिकॉर्ड कर लो। तो सबसे पहले ये हमारा लास्ट टॉपिक है कोरिलेशन और रिग्रेशन, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट चीजें नहीं डिस्कस करूंगी, सिर्फ वो इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगी जो हमें जो है वो आगे लेके जानी है। तो सबसे पहले आपके पास कोरिलेशन और रिग्रेशन की बात आ जाती है। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन के जो कीवर्ड्स हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं स्टेट्स में, ये हम देख लेते हैं। देखो कोरिलेशन हमारे पास क्या करता है, कोरिलेशन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस्तेमाल करते हैं दो वेरिएबल के दरमियान में एसोसिएशन चेक करने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन का मतलब ये है, अगर आपके पास एक वेरिएबल एक्स है एक वेरिएबल वाई है, तो आप देखना चाहते हो इस एक्स और वाई वेरिएबल के दरमियान में क्या स्ट्रेंथ है। तो ये देखें ये एक एक्स वेरिएबल है एक ये वाई वेरिएबल है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इस एक्स वेरिएबल उस वाई वेरिएबल के दरमियान में जो है वो स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं या फिर इनके दरमियान में जो है वो एसोसिएशन चेक करना चाहते हैं कि आदर इसके दरमियान एसोसिएशन है कैसे। तो इस एसोसिएशन को चेक करनी है कि इन दोनों में कितनी एसोसिएशन है, तो ये हम किसके जरिए चेक करते हैं, ये हम चेक करते हैं कोरिलेशन के जरिए। अब कोरिलेशन के जरिए मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, जैसे एक एग्जाम्पल के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक फॉर सपोज के एक पॉपुलेशन है उसमें एक फादर है, अब एक फादर की हाइट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो क्या है 6 है, तो आपको पता है उसकी चाइल्ड उसके चाइल्ड भी डेफिनेटली उस सेम हाइट के या उससे कम ज्यादा हाइट के या फिर उसी जैसे हाइट के जो है वो चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस पॉपुलेशन में से बहुत सारे फादर्स को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, एक सैंपल बना लिया। अब उस सैंपल में मैं चेक करना चाहती हूँ भाई इनके जो सन है वो कितने हाइट के, अगर फादर की हाइट 6 है तो इनके सन की हाइट्स क्या होंगी। इस टाइप का मैंने क्या हुआ, एक एक्स के अंदर एक फादर का डेटा सिलेक्ट कर लिया, वाई वेरिएबल के अंदर एक स्टूडेंट्स का मतलब सॉरी इनके सन का डेटा जो है वो मैंने क्या किया सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इन दोनों के दरमियान में एसोसिएशन चेक करना चाह रही हूँ, आइदर एक की एसोसिएशन इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज हो रही है, या एक की डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये आप सारी एसोसिएशन मुझे चेक करनी है, तो इसको हम क्या कहते हैं सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। तो कोरिलेशन का कीवर्ड जो है बेसिकली स्ट्रेंथ या एसोसिएशन मालूम करने के लिए कहा जाता है। अब ये एसोसिएशन के नेचर्स कितने होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव एक होता है जीरो। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो मूव कर रहे हो, पॉजिटिव कोरिलेशन इसका मतलब है आप डिक्रीजिंग से आप सॉरी यहाँ से आप स्मॉल से जो है वो आगे क्या जा रहे हो इंक्रीजिंग की तरफ जा रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे स्मॉल से जो है वो आप क्या कर रहे हो मूव कर रहे हो इंक्रीजिंग की तरफ, अगर आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आपका नेगेटिव कोरिलेशन है तो इसका मतलब है आपका रिलेशन जो है वो पहले की वैल्यूज की बड़ी थी लेकिन उसके बाद आपकी कोरिलेशन क्या हो रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज का मतलब पहली पहली वैल्यू आपकी 10 थी, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, इसका मतलब है इसका कोरिलेशन आपका डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ऐसे कोरिलेशन को हम क्या कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जो इंक्रीजिंग की तरफ होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस कोरिलेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप होती है हमारे पास कोरिलेशन की, जैसे यहाँ पे आपके पास गिवन है कि मेथड ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, आपके पास कितने मेथड स्टडी होते हैं। सबसे पहला होता है ग्राफिकल, दूसरा होता है मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब होता है स्कैटर डायग्राम, आप क्या करें अपने ये जो एक्स और वाई वेरिएबल है इनको ग्राफ प्लॉट करें, इसका क्या प्लॉट करें ग्राफ। अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट मुझे एक्स वाई वेरिएबल आपके पास गिवन है इनका जरा ग्राफ प्लॉट कर दें, तो आप आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बोलेंगे मैं सभी कर देते। आप जब इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे एक को वाई पे देंगे और एक को एक्स पे देंगे, उसके कुछ पॉइंट्स होंगे आप बनाते जाएंगे, ऐसे ही आपने कुछ पॉइंट्स लगा दिए। अब जब आप उस पॉइंट्स को लगाएंगे तो आप उन पॉइंट्स को देखते हुए खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि भाई ये पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर आप ये करेंगे इस पॉइंट्स को देखते हुए, ये जो पॉइंट सेट लगाए हैं आपने अपने डेटा सेट से, ये पॉइंट को देखते हुए आप समझ रहे हैं कि ये पॉइंट डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। तो आपकी जो भी वैल्यू मतलब जो भी ग्राफ होगा वो आपको बता रहा होगा कि आपका पॉइंट पॉजिटिव कोरिलेशन है या फिर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए जो आपने एक लीनियर लाइन ड्रॉ की है अपने ग्राफ पे, जो ये लीनियर लाइन ड्रॉ की है ये क्या है, अब ये इसमें से कुछ पॉइंट आपके लीनियर लाइन के करीब है, कुछ पॉइंट आपके लीनियर लाइन के करीब नहीं है। अगर ऐसा कोई पॉइंट जो आपके परफेक्ट बिल्कुल लीनियर एक पॉइंट्स के अंदर मौजूद है, बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो पॉइंट्स बन रहा है, तो आप उसे क्या कहोगे, ऐसे ग्राफ को आप कहते हो परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो ग्राफिकल मेथड है स्कैटर डायग्राम, ये समझे आपको पता है ग्राफ
कोई भी आपने जो ग्राफ के जरिए जो आप वैल्यू निकालते हो तो वो हमेशा आप कहते हो कि वो ऑथेंटिक नहीं होती, उसमें चूंकि आपकी लाइंस चेंज हो सकती हैं, आपकी डायमेंशन चेंज हो सकती हैं, आपकी हाथ हिल गया तो आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो डेफिनेटली आप उसमें से क्या कहते हो कि आपकी परफेक्ट वैल्यू नहीं आती. लेकिन जो आप मैथमेटिकल मेथड मतलब फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो आप उससे कहते हो कि आप 100% परफेक्ट हो. अब इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है ये है आपके पास फॉर्मूला कोरिलेशन निकालने का. कोरिलेशन निकालने का जो फॉर्मूला है ये आपके पास गिवन है, जिसको पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है. ठीक है, एक तो आप ग्राफ के जरिए, ग्राफ का मतलब है एक्स वाई की वैल्यू को आपने जो है वो एक्स वाई पे कर दिया और पॉइंट्स लगा दिए, और पॉइंट्स लगाने के बाद आपने चेक कर लिए कि ये पॉइंट मतलब इंक्रीजिंग की साइड है, डिक्रीजिंग की साइड है, या फिर लीनियर लाइन पे परफेक्ट जा रहा है, तो आप इस तरह अपनी वैल्यूएशन डिफाइन कर देते हो. लेकिन कोई वैल्यू नहीं डिफाइन कर पाते आप उसकी. तो यहाँ पे ये कोरिलेशन क्या कर रहा है, ये इसकी ये फॉर्मूला अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी परफेक्ट वैल्यू डिफाइन करेगा. और जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन होती है वो -1 से +1 के दरमियान होती है. इसके अलावा आपके पास कोरिलेशन नहीं आएगी, अगर इसके बाद आएगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी. अब जैसे कि अगर आपकी 0 से लेके 0.2 तक के कोरिलेशन का आंसर आता है, जैसे आपने आर कैलकुलेट किया, डेटा पे लगाया, आर कैलकुलेट किया, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपका डेटा है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई ऑफ द फॉलोइंग सैंपल डेटा. ये सैंपल डेटा है, इस पे कोरिलेशन निकालने के लिए कहा आपको. सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, समीशन एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें. अब आपको पता है ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, समीशन एक्स वाई, इसका मतलब है इन एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें फिर उसका सम करें. फिर क्या बोला है, समीशन एक्स, एक्स का समीशन उनको चाहिए, इस पूरी कॉलम का सम चाहिए, फिर समीशन वाई चाहिए. फिर यहाँ क्या बोला है, समीशन एक्स का स्क्वायर, फिर आप समीशन एक्स निकालें, मतलब इस हर एक पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर निकालते जाएं, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू का स्क्वायर निकालते जाएं. 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर देखें 36, 5 का स्क्वायर देखें 25. आपने हर वैल्यू का स्क्वायर निकाल लिया, हर वैल्यू, हर वाई की वैल्यू का कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर निकाल लिया, उसको समीशन ले लिया. आपने हर वैल्यू का समीशन स्क्वायर जितनी रिक्वायरमेंट थी आपने ले ली. उसके बाद फाइनली आपने सारी वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आपका आंसर आया दैट इज फॉर द पॉजिटिव 0.78. अब पॉजिटिव 0.78 कैसा कोरिलेशन है, देखिए पॉजिटिव 7 यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो कोरिलेशन है वो क्या है, मॉडरेट. मतलब आपके जो दो वेरिएबल के दरमियान में एसोसिएशन है वो एक मॉडरेट है. अगर 1 से लेके 0.8 तक के दरमियान में अगर आपका आंसर आता है तो आप कहते हैं कि इसकी जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो स्ट्रांग है, मतलब आपका कोरिलेशन दूसरे को एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के दरमियान में बहुत ज्यादा इंटरलिंक है, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. अगर 0.2 से 5 के दरमियान में आता है तो इसका मतलब है कि आपका कोरिलेशन काफी वीक है. इसका मतलब है एक्स वेरिएबल एक अलग वेरिएबल है और वाई वेरिएबल अलग वेरिएबल, दोनों में कोई एसोसिएशन नहीं है अगर इस तरीके के कोई आंसर आते हैं. और अगर 0 से 0.2 आता है तो आप ये कहेंगे कि बिल्कुल निग्लिजिबल है, आप इसको ना ही कंसिडर करें कि इन दोनों के दरमियान में कोई एसोसिएशन है. स्टूडेंट एक मिनट लगान हो रही है. -1 से +1 की रेंज में होगा. अब वो जो रेंज का आपका आंसर आएगा वो क्या होगा कि आप उसमें देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ ऑफ कोफिशिएंट की क्या होगी. तो अगर इन पॉइंट्स के दरमियान में आता है तो आप कह सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो कि आपकी कोरिलेशन जो है वो किस एसोसिएशन या किस डिग्री पे जो है वो लाई करती है. ठीक है, तो इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला. ठीक है, और अगर इसकी नेगेटिव आ जाए, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर आ जाए तो आप नेगेटिव के अंदर क्या कहोगे. अगर पॉजिटिव आती है, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन आता है तो आप कहोगे कि भाई ये पॉजिटिव कोरिलेशन है. और अगर नेगेटिव में वैल्यू आती है तो आप क्या कहोगे कि ये नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये जो है वो डाउनसाइजिंग की तरफ आएगा. ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है. अच्छा, तो ग्राफ के जरिए जाहिर सी बात है स्कैटर डायग्राम आपकी वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि आपका बिहेवियर नोट कर सकती है कि आपका बिहेवियर जो है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है या बिल्कुल लीनियर लाइन के ऊपर बिल्कुल आया हुआ है, दैट मीन्स कि बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है या परफेक्ट नेगेटिव आ रहा है या फिर जीरो कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन का मतलब यहाँ पे कोरिलेशन नहीं है. ठीक है, उसके बाद क्या है कर्वीलियन कोरिलेशन. कर्व का मतलब ये है कि आपके पास ये लीनियर कोरिलेशन नहीं है, इसमें कर्व आ रहा है, कोई लीनियर का मतलब क्या होता है आपकी स्ट्रेट लाइन, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है. तो आप ग्राफ के जरिए जो एक मेथड ग्राफिकल मेथड है जो कि स्कैटर डायग्राम है वो आपका सही से तो समझे एक वैल्यू तो निकाल के नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ग्राफ से आपकी चीजों को एसोसिएशन को फाइंड आउट कर सकता है, उसका बिहेवियर नोट कर सकता है. ठीक है,
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर उसका मैथमेटिकल मॉडल या मैथमेटिकल मेथड, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हमें उसका कोफिशिएंट मतलब एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। तो फिर वो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ती है। फिर ये फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं और फिर अपनी जो आंसर आता है उसको हम मेजर करते हैं कि अदर इन दो वैल्यूज के दरमियान में कितना एसोसिएशन मौजूद है। अब जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि भाई मैं ये देखना चाहती हूँ कि भाई मैं फॉर सपोज कोई वीट जो है वो समझो कोई एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हाँ चलो, एक बारिश का मैं डेटा सेट लेती हूँ और उस बारिश का डेटा सेट पे मैं देखती हूँ भैया ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब ये कि बारिश जो है वो बेसिकली किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। क्या अगर क्लाउडी वेदर होगा तो क्या ये इस पे डिपेंड करेगी, मतलब क्लाउडी हो रहा है मतलब मौसम का जो है वो दूसरा बिहेवियर आ रहा है। या फिर अगर मैं कहती हूँ कि टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर आज का दिन भर का जो है वो टेम्परेचर क्या होगा, क्या इस पे भी बारिश फैक्टर डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर अच्छा हो रहा होगा या टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो बारिश हो जाती है। ठीक है, अगर क्लाउडी मौसम होता है तो बारिश हो जाती है। ठीक है, एकदम से अगर धूप गायब हो जाती है तो बारिश हो जाती है। तो मैं क्या करूंगी, इन सब के डेटा सेट भी लूंगी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पे और अपने बारिश का भी लूंगी और उनके दरमियान में कोरिलेशन फाइंड कर लूंगी। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई एसोसिएशन निकलती है तो अब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वाला एट्रीब्यूट दूसरे फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि आपका जो बारिश है वो बारिश इन इन पॉइंट्स पे आती है। ठीक है, तो इनके दरमियान में कोरिलेशन की वैल्यू अच्छी आई है, निकली है, इसका मतलब है ये कोरिलेशन इस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये एट्रीब्यूट दूसरे वैल्यू पे डिपेंडेंट, तो इससे हम कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैटिकल मेथड है जो हमें डिग्रीज ऑफ एसोसिएशन फाइंड आउट करके देता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसी तरीके से कोरिलेशन और भी बहुत सारी मजीद टाइप्स के कोरिलेशन भी पढ़ाए जाते हैं। जैसे अगर अगर मेरे पास आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पहले से पढ़ रखी होती तो डेफिनेटली मैं ये चैप्टर्स पे ज्यादा टाइम देती आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कुछ कॉमन मिस इंटरप्रिटेशन पढ़ाती, कोवेरियंस पढ़ाती, बाइविरेट पढ़ाती, फिर रैंक कोरिलेशन बताती क्या होता। ठीक है, कि रैंक के हिसाब से फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉर्डेंस भी बताती। ठीक है, फिर मल्टीपल कोरिलेशन, अगर एक या एक से ज्यादा आपके फैक्टर, जिसमें मैंने आपको कहा कि भाई बारिश के तीन एट्रीब्यूट है, अभी तो मैंने सिर्फ दो एट्रीब्यूट पे आपको कोरिलेशन निकालना सिखाया कि सिर्फ दो वैल्यू है फादर का एक सन का। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बारिश है, अब बारिश पे या फिर यील्ड ऑफ वीट्स है, अब इसके अंदर रेनफॉल और टेम्परेचर दो फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इन दोनों पे मुझे चेक करना है कि ये वीट की प्रोडक्शन किस तरह होती है। अब फैक्टर रिप्रेजेंट कितने कर रहे हैं, दो। अब इन दो पे वैल्यू डिपेंड कर रही है कि आंसर किस तरीके से सकता है। अब जैसे मैंने बारिश वाली एग्जांपल दी तो बारिश के अंदर क्या है कि बारिश के अंदर मैंने तीन एट्रीब्यूट बता दिए, एक क्लाउडी मौसम का, एक मैंने टेम्परेचर का, एक मैंने जो है वो धूप सन का। इन तीनों, अब ये तीन मल्टीपल में आ गए, एक नहीं है, अब ये तीन आ गए। तो तीन का कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखिए इनके डिफरेंट फॉर्मूले गिवन है। अब ये डिफरेंट फॉर्मूले हैं और ये इनकी कोरिलेशन। फिर पार्शियल कोरिलेशन, मतलब ये कि अगर तीन तो रख रहे हैं आप लेकिन उसमें से एक का इफेक्ट आप चाहते हैं कि आपके डेटा पे ना पड़े, एक वैल्यू को आप क्या कंसीडर करते हैं, एज अ कॉन्स्टेंट कंसीडर करते हैं। रखते हैं आप तीन एट्रीब्यूट है लेकिन एक का इफेक्ट आप चाहते हैं कि दूसरे के ऊपर ना पड़े, तो आप उसे एज अ कॉन्स्टेंट ही करते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है फिर आपके पास पार्शियल कोफिशिएंट। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि मुझे आपको इतना लीव कोफिशिएंट नहीं पढ़ाना। ठीक है, जिस वजह से मैंने आपको ये सारी चीजें ड्रॉप कर दी, सिर्फ एक सिंपल कोरिलेशन निकालना सिखा दिया। तो ये 1 to 4 स्लाइड आप कंसिडर कर सकते हैं, फिर 5 से लेके 12th तक के आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, 12th नहीं बल्कि ये कितना है, 15 तक के आप क्रॉस कर दें। मैंने एक बार आपको सिंपल कोरिलेशन बता दिया, अगर टाइम होता आप लोग विलिंग होते तो डेफिनेटली बाकी की चीजें भी बता देती आपको। अब आ जाते हैं रिग्रेशन पे। अब रिग्रेशन क्या चीज होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, रिग्रेशन मॉडल। अब जो आपने कोरिलेशन पढ़ा है उसी जैसा नहीं, मतलब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर स्टेट्स में जो पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन। अब ये रिग्रेशन क्या चीज होती है, देखो रिग्रेशन मतलब क्या होता है कि रिग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या होती है, रिग्रेशन बेसिकली एक एस्टिमेटेड मॉडल है। एस्टिमेटेड का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वैल्यू जो है वो फॉरकास्ट करनी है कि भाई मेरे पास एक डेटा सेट है, मुझे इस डेटा सेट के इस पॉइंट पे वैल्यू बता दें कि क्या आ सकती है। तो ये बेसिकली निकाल के दे सकता है, एस्टिमेट कर सकता है रिग्रेशन। अब यहाँ पे देखें ये किस तरीके से एस्टिमेट करता है, यहाँ पे देखें सबसे पहले क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव द एज ऑफ कार, सर्टेन मेक एंड द एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन टू कॉस्ट रिलेटेड द एज, आल्सो प्रेडिक्ट द कॉस्ट मेंटेनेंस इफ द एज इज 12। अब इन्होंने क्या कहा कि ऑल्सो मुझे बताएं, प्रिडिक्ट करें कॉस्ट मेंटेनेंस इफ द एज इज 12।
अभी इन्होंने कहा कि एज ऑफ द कार ईयर आपके पास गिवन है 2468, और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 10 है, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट 20 है, 6 के 25, 8 की कॉरस्पॉन्डिंग 30। अब उन्होंने कहा कि आप इसका सबसे पहले क्या बनाएं, आप इसका रिग्रेशन ऑप्टेन करें, रिग्रेशन इक्वेशन। क्या कहा इन्होंने, ऑप्टेन करें रिग्रेशन इक्वेशन फॉर कॉस्ट रिलेटेड टू द एज। तो सबसे पहले आपको उसकी रिग्रेशन की इक्वेशन ऑप्टेन करनी है, और ये चूंकि बिल्कुल ठीक है इसीलिए इसका नाम रिग्रेशन मॉडल है। क्यों? क्योंकि आप ये जो इक्वेशन बना रहे हैं इसे हम मॉडल कहते हैं, और ये मॉडल बेसिकली आप अपने डेटा के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। आप अपने डेटा के हिसाब से जो है वो क्या करते हैं, ये मॉडल को बनाते हैं। अब इसे बनाना सिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से बनाते हैं। आल्सो प्रिडिक्ट द मेंटेनेंस कॉस्ट इफ द एज इज 12। अब जब आप अपना ऑप्टेन कर लेंगे इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को ही मैंने आपको कहा कि मॉडल कह रहे हैं, जब आपने मॉडल ऑप्टेन कर लिया तो आपने क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना है अगर आपको कार की एज क्या दे दी जाए, 12। इसका मतलब है आप देखें आपके पास डेटा नहीं गिवन, डेटा यहाँ पे 8 पे लाके स्टॉप कर दिया, लेकिन अब वो पूछ रहे हैं कि आप हमें 12 पे बताइए कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी। इस बात को आपने एस्टिमेट करना है, इस बात को क्या करना है आपने, एस्टिमेट करके बताइए कि यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होनी चाहिए। इसके लिए आपने क्या करना है, रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है। सिंस द मेंटेनेंस कॉस्ट डिपेंड ऑन एज, अब ये जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है ये किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी एजेस ऑफ कार पे, ठीक है। तो आपने इसे एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को वाई से। अब क्या करना है, फिट करना है रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एस्टिमेट करनी है ना आपने, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब है आपको वाई की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, किस पे, एक्स पे एस्टिमेट करनी है। एक्स पे वाई एस्टिमेट करने के लिए एक फॉर्मूला आपके पास रिग्रेशन का फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन मॉडल, जिसको आपने स्लोप फॉर्मूले से भी याद किया हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे रिग्रेशन मॉडल कह सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से तो स्लोप फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे हम इसे एज अ रिग्रेशन मॉडल यूज कर रहे हैं। अब ये रिग्रेशन मॉडल के जो कोफिशियंट्स है ना, ये जो ए और बी, जिसको आप अल्फा और बीटा के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हो, इसको आपने एस्टिमेट करते हो लीस्ट स्क्वायर मेथड से। ये जो ए और बी इसके कोफिशियंट्स है ना, इनको एस्टिमेट करने के लिए आपको चाहिए होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड ये कहता है आपको, लीस्ट स्क्वायर मेथड मैं आपको बताती हूँ, लीस्ट स्क्वायर मेथड ये कहता है, जैसे वो कहता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड कहता है कि मेरे पास एक लीस्ट स्क्वायर की मतलब एक लीनियर लाइन है, ठीक है। अब आपके पास ये जो पॉइंट है ना, ये डिफरेंट डेटा पॉइंट स्कैटर है इस लाइन से। अब आप मुझे ये बताएं, एक एक पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट से डिफरेंट है, मतलब आगे पीछे। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन, अब जैसे ये वाला एक पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन से कितना दूर है, काफी ज्यादा दूर है। ये वाला के बाद ये पॉइंट आता है, फिर नेक्स्ट लाइन आती है। अब ये पॉइंट इस लाइन से जो है वो काफी दूर है, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट से इस लाइन तक के फासले को रिड्यूस करना है, कम से कम करना है, ताकि ये बिल्कुल फिटेड हो जाए इस तरह, ताकि ये लीनियर पे बिल्कुल फिट बैठ जाए। इस पॉइंट को जो स्कैटर हुए हुए हैं आपकी फिटेड लाइन से, ये बहुत दूर है, आपको इसको एस्टिमेट करके इसको इस तरीके से परफेक्ट बनाना है। इसको एस्टिमेट करने के लिए जो कोफिशिएंट्स निकालते हैं उसे कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। और लीस्ट स्क्वायर मेथड का काम यही है कि जितने दूर दूर पॉइंट्स जा रहे हैं आपकी लाइन से, इसको रिड्यूस कर दिया जाए, इसको कम से कम डिस्टेंस के ऊपर कैलकुलेट कर दिए जाए, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब लीस्ट स्क्वायर की पूरी डेरिवेशन पढ़ाती हूँ मैं, लेकिन फिर आपको नहीं पढ़ाऊंगी मैं, तो अब ये लीस्ट स्क्वायर की डेरिवेशन पढ़ा देती हूँ मैं आपको, लेकिन अभी सिर्फ इतना बता दूं कि ये लीस्ट स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो इस डेरिवेशन से ही आया है। अब यहाँ पे देखें, अब समझे कि ये जो लीस्ट स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी पूरी डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन से ड्राइव होके जो आया है, वो डेरिवेशन से जो लीस्ट स्क्वायर से ड्राइव हुआ है वो बी और ए हुआ है। अब ये जो b और a है ये क्या कर रहा है, आपके कोफिशियंट्स निकाल रहा है, और इन कोफिशियंट्स को मिनिमम डिस्टेंस कर रहा है आपके लीनियर लाइन से। मतलब ये चाहता है, ये दो पॉइंट्स ये चाहते हैं कि कम से कम डिस्टेंस पे जो है वो आपके पास आपकी लाइन पे आपका पॉइंट फिट हो जाए। तो इसलिए हम ये कोफिशियंट्स को बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमारा जो फासला है हमारी ओरिजिनल लाइन से वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम ये दो फॉर्म ले लेते हैं।
अब ये दो फॉर्मूले किस तरह ड्राइव होते हैं तो ये नहीं बता रही, ड्राइव होके जो आंसर आता है ये बता दिया आपको। अब ड्राइव होके जो आंसर आया इसके जो कोफिशियंट बी था, बी के कोफिशियंट आपका ये आंसर आया, और जो ए का कोफिशियंट है उसका आंसर ये आया। अब जरा अब ये फॉर्मूला ड्राइव फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, समीशन एक्स वाई, ये आपके पास डेटा मौजूद है, इन दोनों को क्या कहा, मल्टीप्लाई करके समीशन करें। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, उसके बाद समीशन कर दें, फिर समीशन एक्स, फिर समीशन वाई, वही सब चीजें, ये रहा समीशन एक्स, ये रहा इन सबका सम वाई। फिर दोबारा इन्होंने एक्स स्क्वायर पे सम कहा, तो आपने एक्स का स्क्वायर निकाला, टू का स्क्वायर फोर, फोर का स्क्वायर 16, सिक्स का स्क्वायर 36, एट का स्क्वायर 64, ये आपने स्क्वायर निकाले और देन सम। फिर आपको पास वाई का स्क्वायर निकालने के लिए इन्होंने कहा, आपने वाई का स्क्वायर निकाल लिया। आपको जो जो चीजें फाइंड करनी थी आपने इस टेबल को कंसीडर किया और अपनी चीजें फाइंड कर, ठीक है। अब आप क्या करें, जब आपको सारी चीजें फाइंड हो गई तो अब आप अपने मॉडल के अंदर सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। अब आप अपने मॉडल के अंदर जरा सब्स्टिट्यूट करें ए और बी की वैल्यू। अब ए और बी का आपके पास फॉर्मूला गिवन हो चुका है, ठीक है, आपने वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट करना आ गया आपको। अब जब आपने दोनों के मीन निकाल लीजिए, एक्स और वाई का मीन निकालने के लिए कहा है, एक्स और वाई का मीन निकाल लें, मीन निकालना मुश्किल तो नहीं है, समीशन की वैल्यू को डिवाइड करवा दे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, 2, 3, 4, मतलब 20 डिवाइडेड बाय 4, सही है। ये आपका एक्स मीन आ जाएगा, वाई मीन भी ऐसे निकल जाएगा, तो ये एक्स मीन आ गया, ये आ गया आपके पास वाई मीन। अच्छा, अब आपने क्या करा, आपने ये दोनों मीन्स आ गए, इन दोनों मीन को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बी की वैल्यू जो भी आपने निकाली हुई थी वो आपने यहाँ डाल, जो भी बी की वैल्यू एस्टिमेट होके आई है उसका जो भी आंसर आया वो आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फिर आपकी ए भी निकल आए। अब ए की वैल्यू भी निकल आई और बी की वैल्यू भी निकल आई। अब ए और बी की वैल्यू आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल दी, इस इक्वेशन के एस्टिमेटेड में डाल दी। जो एस्टिमेट करते हैं देखिए उस पर इस तरह का एक कैप लगा हुआ होता है, मॉड वाला जो कैप है ना, मॉड पे जो आप कैप लगाते हैं वही कैप यहाँ पे भी लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि आप इस बात को, इस पॉइंट को एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले इन्होंने यहाँ क्या कहा, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। तो ए की वैल्यू यहाँ जो आपने डाली, ए की कैलकुलेशन परफॉर्म की होगी आपने, तो ए की कैलकुलेशन ये देखें फॉर्मूले में आपने डाली, ए की कैलकुलेशन क्या है, ये 5, ठीक है, 5 लिख दिया। फिर प्लस का साइन लगाया आपने, फिर आपने किया बी की वैल्यू। अब बी की वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया होगा, तो उसकी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट होकर जो बी की वैल्यू आई है वो आई है 3.25। अब वो 3.25 आपने डाला मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये जो एक्स है ये आपका एस्टिमेटेड है कि आपने किस पॉइंट पे एस्टिमेट करना है, मतलब किस पॉइंट पे कोई कौन सी वैल्यू है जो आपने प्रिडिक्ट करवानी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आपको 12 पे दिया हुआ था कि आपसे 12 पे उन्होंने बोला था कि हमें एस्टिमेट करें कॉस्ट, यही बात हुई थी हमसे। इस मॉडल के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि 12 वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखिए 12, क्योंकि ये पूरी लाइन किसके बराबर है, एक्स के बराबर। इस एक्स की वैल्यू पे 12 रखिए और एस्टिमेट करें कि वाई क्या आएगा। तो अब आपने एस्टिमेट करने के लिए क्या करना है, जब अच्छा ये जो आपके पास आया है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड द रेग्रेशन इक्वेशन ऑन वाई ऑफ वाई ऑन एक्स, यही आपको कहा था कि ऑब्टेन करें रेग्रेशन इक्वेशन, ऑब्टेन द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ कॉस रिलेटेड टू द एच, ये चीज पूछी थी आपसे। इसी को ही ये जो आपने अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बनाया है ना, ये जो पूरा बनाई है इक्वेशन, इसी को ही अक्सर हम रेग्रेशन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। और इस रेग्रेशन मॉडल के जो ए और बी के जो कोफिशिएंट्स निकाले ना, वो बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर निकाले, और लीस्ट स्क्वायर इसलिए निकालते हैं रेग्रेशन के अंदर ताकि ये सबसे बेस्ट मेथड होता है एस्टिमेट करने का, ठीक है। ये कम से कम जो है वो रिड्यूस कर देता है आपके फासले को आपके ओरिजिनल डेटा से, बहुत रिड्यूस कर देता है इसके कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे डाल दी। अब आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, एक्स की जगह पे 12, तो आपने एक्स की जगह पे 12 सब्स्टिट्यूट करे, 3, 2 मल्टीप्लाई करवा दे 12 से, प्लस करवा दे 5, तो आंसर क्या आया 44। इसका मतलब है कि 12 के ऊपर आंसर क्या आएगा 44। तो यहाँ पे अगर मैं एस्टिमेट करा तो मैंने यहाँ पे क्या एस्टिमेट किया कि 12 के ऊपर जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 44। इसका मतलब है कि 12 के ऊपर जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी वो आएगी 44। तो इसे कहते हैं रिग्रेशन मॉडल, और रिग्रेशन मॉडल के जरिए आपने क्या किया कि आपने प्रिडिक्ट कर लिया या फिर एस्टिमेट कह सकते हो, क्योंकि ये वाई कैप एस्टिमेट कैप को डिफाइन करता है। तो आपने एस्टिमेट कर लिया एट द एज ऑफ 12 द मेंटेनेंस कॉस्ट इज 44, जिसको कहीं कहीं रिग्रेशन या रिग्रेशन मॉडल या रिग्रेशन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे तो सिर्फ दो वेरिएबल्स थे स्टूडेंट्स, अब ये देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने गिवन की हुई है, ठीक है।
लेकिन आप लोग कोशिश करें इसे इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की। बाकी देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्यों निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वर्बली बता देती हूँ आपको। देखिए डिटर्मिनेशन हम इसलिए निकालते हैं जब हम ये चेक करना चाहते हैं जो हमने प्रिडिक्ट किया है। जैसे अभी तुमने देखा यहाँ पे जो मैंने 44 प्रिडिक्ट किया है, ये मैं चेक करना चाहती हूँ ये जो 44 प्रिडिक्ट किया है ये कितने परसेंट सही है, जो मेरा कोफिशियंट है 44% ये मेरा कितना अच्छा है, मतलब ये जो 44 आया है ये मेरा कितना सही वैल्यू आई है, कितनी सही वैल्यू आई है, इस बात को चेक करने के लिए हम निकालते हैं कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन। जैसे अगर जैसे इन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी आर की वैल्यू है मतलब कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन 0.8 और अगर कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है आर स्क्वायर से, अगर आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.64, आप इसे मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो 100 का मतलब है 64। इसका मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो आपका मॉडल जो है वो एस्टिमेट वुड बी 64% रिलायबल। इसका मतलब है जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू आई है वो 64% रिलायबल है कि वो ठीक आई। अगर इसी तरह अगर ये 84% होती रिलायबल कि ये ठीक आई है तो आप उसे ये कहते। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये बताता है कि आप जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसमें कितनी परसेंट सच्चाई है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बताता है। जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की आंसर आता है आप उसे मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज आपकी कितनी परसेंट सही आई है। तो उसने बता देंगे कि फॉर सपोज इस अगर मैं इसका पूरे मतलब इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन निकालना चाहूँ तो मैं इसमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके इसका डिटर्मिनेशन निकाल दूंगी। फॉर एग्जाम्पल 84 आया, इसका मतलब है कि 84% रिलायबल वैल्यू वाई की उसने प्रिडिक्ट की है। ठीक है, अभी भी आपके पास जो है 16% चांसेस है कि मे बी आपकी वैल्यू एस्टिमेटेड गलत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एस्टिमेट है ना, 100% ट्रू वैल्यू आपकी नहीं आ सकती, तो इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। फिर आते हैं मल्टीपल रिग्रेशन पे। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है कि आपके पास एक से ज्यादा पैरामीटर, जैसे अभी मैंने सिर्फ दो दरमियान लिए थे ना पैरामीटर x1 x2, लेकिन अब यहाँ पे एक से ज्यादा एस्टिमेट करना है आपको वैल्यू, मतलब x1 x2 की वैल्यू आपको गिविन देगी और आपने एक से ज्यादा फैक्टर पे एस्टिमेट करना है। तो एक से ज्यादा फैक्टर पे एस्टिमेट करने के लिए फिर इक्वेशन बढ़ जाती है आपकी। लेकिन हम मल्टीपल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस एक एक रिग्रेशन मॉडल की ही बात करेंगे ताकि आपको बस इतना समझ आए कि रिग्रेशन और कोरिलेशन क्या थी। ठीक है, बस ये एक एग्जाम्पल, बस ये 16 और 17 नोट कर लें, 16 और 17 और वहां पे आई थिंक 1 to 4 थी, 1 to 4 और 16 और 17 इसे नोट कर लीजिएगा। ये दो स्लाइड्स थी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इन जिंदगी आपकी रही तो आगे आपने कोर्सेज पढ़ने, कभी ना कहीं कोई ना कोई रिग्रेशन मॉडल फिर पढ़ाएगा। मैम एक समरी थोड़ी सी ओवरऑल। हाँ बोलो 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 मैम, बोलने दो उनको। अच्छा जो बोलनी है दूसरी वाली वो बोले। मिस क्वेश्चन 1, 2 और 4 करने हैं। स्लाइड नंबर 2, 3, 4, स्लाइड नंबर 2, 3, 4 और स्लाइड नंबर कौन कौन सी, ये आ गए 2, 3, 4 पे आपकी कोरिलेशन है और 16 17 और 16 और 17 और 17 पे आपका रिग्रेशन है, ये नोट कर लीजिएगा। इस स्लाइड की इंपॉर्टेंट स्लाइड के नंबर लिखवा दिए हैं। ठीक है रीशा, आपका सवाल खत्म हो गया। मैम एक, हाँ अब आप पूछने वाले पूछे ओवरऑल कोई समरी मैम, इन दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है कोरिलेशन और रिग्रेशन में। मैं बताती हूँ अब इन दोनों का डिफरेंस मैं बताती हूँ। देखो कोरिलेशन का मतलब क्या है कि ये आपके दो वेरिएबल के दरमियान में एसोसिएशन मालूम कर रहा है, मतलब अगर कोई दो वेरिएबल है और आप ये चेक करना चाहते हो कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना डिपेंडेंट है, तो आप क्या कहोगे कि हम इससे कोरिलेशन मालूम कर लेते हैं। कोरिलेशन से हमें क्या पता चल जाएगा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना डिपेंडेंट है, इन दोनों के दरमियान में कितनी एसोसिएशन है, इसे कहते हैं कोरिलेशन। सही है, और जो रिग्रेशन है, रिग्रेशन मॉडल एस्टिमेट करता है। एस्टिमेट का मतलब जैसे वो आपको प्रिडिक्ट करके देगा, प्रिडिक्शन करके देगा कि अगर आप कह रहे हो जिस तरह आपकी जो कार की मेंटेनेंस है उसमें आपने कहा कि मेरा डेटा सेट 8 तक के मेरा डेटा सेट स्टॉप हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी 12 पे क्या वैल्यू आएगी ये मुझे बता दो, तो क्या होगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा को ही इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहे हो, अपने नेक्स्ट की वैल्यू क्या कर रहे हो, फ्यूचर की एस्टिमेट कर रहे हो।
और वो स्टेटमेंट जो आप एस्टिमेट कर रहे हो वो कितने परसेंट सही है, उस चीज को चेक करने के लिए भी आपके पास एरर मौजूद है कि जो आपने एस्टिमेटेड की है, जो आपने एस्टिमेशन की है, एस्टिमेशन का मतलब जो आपने प्रिडिक्शन की है, अदर वो कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट कामयाब रहेगी मेरी ये प्रिडिक्शन, उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। सिंपल चीज है, और कभी समझ नहीं आई तो मजीद एक्सप्लेन करूं? नहीं मैम सही है, ठीक है। एक दफा वो जो आपने मैटलैब की वीडियो बात बताई थी वो दोबारा बता देंगे इस कई दफा? मैटलैब की वीडियो वाली बात, यानी कि आप, मैं सब कंफर्म करूं कि हम अगर वीडियो बनाएंगे तो हम जो भी काम करेंगे उन सब की पहले पिक्चर्स लेके पे उनका स्लाइड शो के तरीके से, मतलब इस तरह से बनाएंगे? मैं तुम लोगों को वो सेंड कर देती हूं, देख लो उसको। ठीक है सही, रुको मैं सेंड कर देती हूं ताकि आप लोगों की, अब एक्चुअली है भी मसला ये कि वो भी माशाल्लाह अहमद स्टूडेंट्स थे और जो बोलो उसके मुताबिक कोई जवाब नहीं आना था, आगे पीछे अपनी मर्जी चलाई है उन्होंने भी। अगर मैंने आपको वो भेज दिया तो आप उसी पैटर्न पे काम शुरू कर दोगे, ये बात भी है। हाँ तो इसलिए तुम ऐसे ही पूछो कि पूछ क्या रहे हो, मैं तुम्हें क्या दिखाऊं बताओ, मुझे शेयर कर दूंगी फिर मैं। मैं बस वीडियो, आपने वीडियो का बताया था ना कि किस तरह वो बच्चा समझा रहा था उसको किस तरह से करेंगे, यही पूछ रहा हूं। जैसे वो बच्चा समझा रहा है ना कि पहले टॉपिक से रिलेटेड समझा रहा है, फिर मैं टॉपिक से रिलेटेड समझने के ऊपर कायल नहीं हूँ क्योंकि टॉपिक मैंने आपको समझा दिए। जी ठीक है, ठीक है। तो आप बस मुझे मैटलैब की कोड समझाओ, आप टॉपिक मत समझाना। हालांकि मैंने उनको भी बोला था कि मैंने टॉपिक समझा दिया है, लेकिन वो भी माशाल्लाह सुनने में समझने, वो जितना भी बोलने करनी उन्होंने अपनी है, फिर मार्क्स भी मैं उन्हें वैसे ही देती हूँ। ठीक है, जैसे अब ये देखो ये तुम्हारे सामने हो रही है, अब ये स्टूडेंट समझा रहा है, अब ये टॉपिक समझा रहा है, जबकि मैं टॉपिक इसे समझा चुकी हूँ, उसको मना किया कि टॉपिक मत समझाओ, लेकिन ये फिर भी समझा रहा है। ठीक है, अब मैंने इसे कहा था कि ये मत समझाओ, मुझे ये समझाओ कि तुमने इसे परफॉर्म किस तरह किया। सही सही, उसको कहा था।